अभी यहाँ से टाइगर निकला है और ये कैमरा ट्रैप है, उसमें बिल्कुल आ गया होगा। यहाँ से गुजरा तो सही, उसकी टेर होगा जो एनिमल्स कंफ्यूज हो जाएगा कि सो मैनी हैंड और सो मैनी हेड। सो क्या क्या बोलते हैं इसको? शावर ले लिया सुबह सुबह हमने, आज थोड़ा आलसी हो गए, हमने ब्रेकफास्ट कुछ बनाया नहीं है। यहाँ पे जो पास में रिसोर्ट है यहीं पे हमने शावर ले लिया और यहीं पे हमने ब्रेकफास्ट मंगवाया। आई थिंक ब्रेकफास्ट इज रेडी। अरे वाह, आलू पराठा, येलो डिश एंड येलो प्लेट, यस येलो पोहा, और एक पोहा भी मंगाइए ना, एक पोहा और एक बर्ड कौन सा है मुझे दिख नहीं रहा, लेकिन वो मुझे पहले तो ये लगा कि ये बेरी का पेड़ है, लेकिन वो बेरी खा रहा है पहले तो ऐसा लगा, फिर मैं कैमरा जूम करके देखा तो वो स्पेरो को खा रहा है। शायद ये बुश चैट है या स्टोन चैट, ऐसा कुछ अभी मैं भूल गई, मैंने बर्डिंग बिल्कुल बंद कर दिया है तो, लेकिन बाद में आईडी कर लेंगे। पहले ये सीन को हम कैप्चर करते हैं कि एक बर्ड दूसरे बर्ड को खा रहा है। तो अब हम निकल पड़े हैं जंगल सफारी में, बफर जोन में जा रही है, लेकिन अपनी गाड़ी लेके हम एक सीक्रेट जगह पर जा रहे हैं जहाँ पे हम कैंपिंग करेंगे। तो ये मड़ई वाला जो गेट है सतपुरा टाइगर रिजर्व में, वहाँ से हम निकल पड़े और आगे जा रहे हैं बफर जोन में, जंगल के बीच में। हमारे साथ जो भैया आए हैं लक्ष्मी नारायण जी, उन्होंने बोला कि ये जो एक रास्ता हम जो जहाँ से जा रहे हैं बीच में रिवर लगती है, तो अंदर से फॉरेस्ट ऑफिसर का फोन आया, उन्होंने बोला इसको कि ये लोग निकल गए क्या, अगर रिवर क्रॉसिंग में दिक्कत आई तो आप दूसरा रास्ता ले लो, लेकिन हमारी सब गाड़ियाँ जैसे 4x4 है, एक्सेप्ट सके साहब उनकी सोच ट्रैवलर है, उनको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन रिवर कितनी बड़ी है कितनी गहरी है ये हमें पता नहीं, अभी तो हम उसी रास्ते से आगे जा रहे हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम पार कर लेंगे बागड़ा बफर। अभी हम बागड़ा बफर जोन में एंटर कर गए हैं। टाइगर रिजर्व का बफर जोन है, उसमें कई सारे ऐसे छोटे छोटे गांव हैं जो फॉरेस्ट के बीच में पड़ते हैं, बफर जोन है यहीं पे, यहाँ पे भी सफारी होती है, कोर जोन में भी होती है और बफर जोन में भी सफारी होती है, और यहाँ पे भी भालू चीता नहीं लेपर्ड और टाइगर बारासिंगा वो सारे वन्य जीव यहाँ पे भी मिलते हैं। टाइगर रिजर्व का बागड़ा बफर जोन है, इसको जमानी देव गेट भी बोला जाता है, और यहाँ से 9 से 3 बजे तक बफर सफारी का टाइम है। कैमरा ट्रैप है, देखो अभी यहाँ से टाइगर निकला है और ये कैमरा ट्रैप है, उसमें बिल्कुल आ गया होगा।
जब जंगल में हम लोग वॉक पर जाते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, कोई भी वाइल्ड चीज़ें हैं जैसे फ्रूट्स वगैरह उसको हमको टच नहीं करना, देन कोई भी मेडिसिन वैल्यू वाली जो चीज़ें हैं उनको हमको डायरेक्टली यूज़ नहीं करना क्योंकि हमको उसके बारे में मालूम नहीं किस तरीके से यूज़ करना है। दूसरा कि कोई बिग एनिमल्स वगैरह आता है तो हमको एक सडनली मूव नहीं करना है, ज़्यादा साउंड क्रिएट नहीं करना है, और यदि क्लोज टू एनिमल आता है तो हमको बिहाइंड ऑफ ट्री के भी जा सकते हैं हम, और जो ट्रैक है उस पर ही हमको चलना है। यदि कोई एनिमल थोड़ा अग्रेसिव होकर हमारे और क्लोज टू आता है हमको इस तरीके से हैंड को ऐसा अप डाउन इस तरीके से करना है, तो उससे क्या होगा विद क्लिपिंग भी कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा जो एनिमल्स कन्फ्यूज हो जाएगा कि सो मैनी हैंड और सो मैनी हेड, उस तरीके से देख के वहाँ से मूव कर जाएगा। और कैरम बोर्ड वगैरह जो है, कैरम बोर्ड की गोटे पापड़ा, ये काफ़ी स्मूथ बोर्ड होती है, इसका काफ़ी यूजफुल है, और बच्चों की जो ट्राई साइकिल टॉयज वगैरह इसी के बनाए जाते हैं, ये लाइट वेट होता है इसलिए इसका यूज। जंगल में से गाड़ी निकालने का थ्रिल ही अलग होता है, कैसा आप महसूस कर रहे हैं मिस्टर शाह? अरे बहुत मजा आ रहा है, एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, और ये असल क्या बोलते हैं ओवरलैंडिंग हो रही है हम लोगों की, थोड़ी बारिश हो जाने के बाद कीचड़ भी हो गया है रास्तों में, तो गाड़ी थोड़ी थोड़ी फिसल भी रही कई जगह, लेकिन उसका मजा ही कुछ और है, और ये एक बढ़िया एक्सपीरियंस है हमारे लिए। उसके अलावा जो पेड़ पौधे हमें दिख रहे हैं आंखों को सुकून मिल रहा है, तो प्रॉपर जंगल की फील हो रही है, एक प्रॉपर जंगल की फील आ रही है। जंगल ही है तो फिर फॉरेस्ट है, अभी हम सतपुरा टाइगर रिजर्व के बफर जोन में घूम रहे हैं, अभी हमने दंताजी टाइगर के पगमार्क्स देखे, एक ही घंटे पहले यहाँ से वो टाइगर निकला है, और उसी इलाके में भी नहीं बताऊँ सीक्रेट। भैया टाइगर मास्क कौन सा, ये वाला? अरे पग मास्क, यहाँ से दूसरा तो सही, उसकी टेरिटरी में है। कल्पेश भाई ने कंफर्म किया कि यही है हमारा कैंप साइट, यही इसी गेट से हम आगे जाएंगे। अभी टाइगर यहाँ आने वाला है और यहाँ पे पोज देगा हमें और बताएगा कि देखो मैं बैठ गया, फोटो खींचो मेरी।
अभी यहीं से शेर गुजरा है एक ही घंटे से पहले, और उसी रास्ते में हम लोग हैं। आजू बाजू से कहीं से वो दिख भी रहा होगा हमें, है ना। हम अपनी जंगल वाले कैंप साइड में पहुंच गए हैं। ये देखिए, बिल्कुल ये जंगल ही है, आजू बाजू ये सारा है। ये सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बफर जोन में पड़ता है, और तकरीबन 30 किलोमीटर का रास्ता तय करके हम यहाँ पे पहुंचे हैं। हमने अपनी कैंपर यहीं लगाई है, कल्पेश भाई ने अपनी फॉर्चुनर यहीं पे लगाई है, वहाँ कुमार ने लगाई है, और यहाँ शेट्टी अंकल ने। यहीं पे हम आज नाश्ते करने वाले हैं। यहाँ एक छोटा सा मंदिर भी है, चलो वहाँ दर्शन करने जाते हैं। जंगल के बीचों बीच रहने का एक फील ही अलग है, तालाब और वहाँ पे मंदिर है। चिड़िया तो चढ़नी है मचान पे, लेकिन ये अच्छा है खासा। तो दोस्तों देखिए, हमारा ट्रेल वॉक या ट्रैक वॉक शुरू हो गया है। गाइड आगे है सबसे, और घने जंगल में हम लोग जा रहे हैं। So, क्या क्या बोलते हैं इसको, मच्छर भगाने का? ऐसे शैतन वुड, शैतन, हाँ शैतन वुड, ऐसे लोकल में गिरिया नाम है इसका, गिरिया। हमने देखा है ये जो हमारे प्रेडेटर वो जो होते हैं ईगल वगैरह, जो इसके बच्चों को लिफ्ट कर लेते हैं, अच्छा, उनको कंफ्यूज करने के लिए ये ट्रिकी हाइट पर जो है नेस्टिंग करती है। तो कुछ एक मेन उसका नेस्ट होगा, कुछ फोक नेस्ट होते हैं जिसको कंफ्यूज करने के लिए होते हैं। अच्छा, तो एक में वो रहेगी, एक आदमी अपने बच्चों को छुपा कर रखेगी, जब प्रेडेटर आता है तो वो नेस्ट को ऐसा विजिट करते हुए दो तीन नेस्ट विजिट करेगा, नहीं मिलेगा तो वो गुस्सा करके भाग जाता है और अपने आप को सेफ। अच्छा,